नहीं थी, वो बहने थी मेरी। उसके बाद उन्होंने जो तय किया, हमारे मराठी में कहा, मराठी में बोलते कि पोदर पदर खोचला, तो महीने बहनों जब पदर खोचते तो भी तय करते हैं, संकल्प करती है। संकल्प उन्होंने किया कि हम लोग जब तक यहाँ से भारतीय जनता पार्टी महायुति का विधायक चुन के नहीं आता है तब तक शांत नहीं बैठे, और आज भी उन्होंने संकल्प किया है। ये वसई विरार की महापालिका भारतीय जनता पार्टी महायुति ताबे में लेती है तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, ऐसे संकल्प उन्होंने। चुनाव के टाइम में आपने बहुत मेहनत की, सुबह 7 बजे 8 बजे घर से उठ के आते थे, दोपहर में 1.5 घंटा 2 घंटा घर में जाके करते थे, उसके शाम को भी 4 बजे आने के बाद रात को 10 बजे तक आप काम करते थे। उस टाइम आपके परिवार को भी बहुत कष्ट हुआ, आपके बच्चे लोग को भी कष्ट हुआ, उसके लिए मैं सभी को, जो आपने घरवालों ने कहा, घरवालों से मैं माफी मांगता हूँ कि मेरे वजह से उनको सहन करना पड़ा, लेकिन आपने जो भारतीय जनता पार्टी में आप लोग जो आए हैं वो पार्टी के सिद्धांतों को देख के आए हैं। ये पार्टी ऐसी है, आदरणीय अटल जी आडवाणी जी की पार्टी है, अंत्योदय, एकात्मता, मानवतावाद, और जो कतार में अंतिम आदमी खड़े है उसका जीवन सुसह्य करने के लिए पार्टी काम करती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री विश्व नेता आदरणीय मोदी जी ने हमारे बहनों के लिए जो काम किया है गत 15-12 साल 10-11 साल में, बहुत ही अच्छा काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। उसी तरह महाराष्ट्र सरकार भी हमारी अच्छी योजना लाके अच्छा काम बहनों के लिए कर, हार के लाया योजना का 1500 रुपए हमारे बहनों को दिया, दायित्व तो निभाया सरकार ने, हम लोग हमारे बहनों पे, हमारी सरकार ने अभी कभी ऐसा नहीं बोला। हमारे आदरणीय शिंदे साहब, आदरणीय देवेंद्र जी, जिसको सभी बहने देवा हो बोलते हैं, और पवार साहब ने किसी ने एहसान नहीं किया, वो लोग बोलते हमारा दायित्व है कि हमारे बहनों को थोड़ा बहुत गरीब मिला, ऐसा हमारा दायित्व है, दायित्व निभाया, और आने वाले कार्यकाल में 1500 का 2100 होने वाला है। और सभी मेरे महिला कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके आज भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र नाईक, एक सामान्य कार्यकर्ता, एक किसान का बेटे को महाराष्ट्र के विधानसभा में भेजा, मैं सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और आपको विश्वास देता हूँ, मेरा द्वार आपके लिए हमेशा खुला रहे, मैं आपके एक परिवार के मुखिया के नाते आपके लिए, सभी के लिए काम करूंगा। आप उपस्थित है इसलिए आपके लिए बोलता हूँ, सभी नालासोपारा विरार के मेरे बहने जो है, महिला जो है, उसके लिए एक उनका परिवार के मुखिया के नाते उनको काम करूंगा, उनकी सेवा करने का मैं हर संभव प्रयास करूंगा। मेरा द्वार आपके लिए हमेशा खुला रहेगा, ऐसा विश्वास व्यक्त करता हूँ। और चुनाव के दौरान आपने अनेक लोगों से संपर्क हुआ, उन्होंने काम के बारे में बताया होगा, मैं आपको विश्वास देता हूँ, महाराष्ट्र में और केंद्र में दोनों जगह अपना सरकार है, यहाँ के सांसद अपने हर, यहाँ के विधायक, आप सभी के मेहनत के ऊपर यहाँ पे मुझे चुन के दिया है। मैं आपको विश्वास देता हूँ कि जो जो काम एक विधायक के रूप में मुझे करना है वो मैं निश्चित रूप से करूंगा। आप सभी का फिर से एक बार आभार व्यक्त करता हूँ, ऋण व्यक्त करता हूँ। मैं आप